Now let's further continue with our concept today itself. मैं जो last concept समझाना चाह रहा था, that is uncertainty in measurement and calculations. इस concept को मैं अब summarize करता हूं. Uncertainty in measurement and calculations. देखिए, इनफैक्ट इधर हम पूरे चैप्टर को ही एक तरीके से समराइज कर रहे हैं. इस आर्टिकल को पढ़ाते समय, समझाते समय थोड़ा एलाबोरेट भी और आराम से समझाऊंगा आप. हम किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान, किसी भी प्रैक्टिकल के दौरान कुछ चीजें मेजर करते हैं, कुछ क्वांटिटीज, कुछ पैरामीटर्स को मेजर करते हैं और उन मेजरमेंट वैल्यूज को किसी फॉर्मूले में प्लग इन करते हैं और उसे प्लग इन करके फाइनली कुछ कैलकुलेशन करते हैं. चैप्टर में थ्रू आउट जो मैंने डिस्कस करा है, दैट इज कैलकुलेशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय सिंपल पेंडुलम मेथड. और मैंने हमेशा यह फॉर्मूला लिखा है, टाइम पीरियड इज अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी. और इधर से मैंने जी की वैल्यू लिखी है 4 पाई स्क्वायर एल बाय टी स्क्वायर. अब हम सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट में ये जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है उसे मेजर करते हैं और टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ दैट सिंपल पेंडुलम वह मेजर करते हैं. उस एक्सपेरिमेंट के दौरान यह दो क्वांटिटी मेजर करके इस फॉर्मूले में प्लग इन करना है और जी की वैल्यू नोट डाउन करना है, कैलकुलेट करके बताना है. एस आई टोल्ड यू, देयर इज ऑलवेज अनसर्टनटी और एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एल. जब हम लेंथ ऑफ पेंडुलम मेजर कर रहे हैं तो वहां कुछ ना कुछ एरर होता है, कुछ ना कुछ अनसर्टनटी होता है. आप बिल्कुल एग्जैक्टली परफेक्टली लेंथ ऑफ पेंडुलम नहीं बता पाते हो. इसी तरीके से टाइम पीरियड भी जो आप मेजर कर रहे हो, जो डिटरमाइन कर रहे हो, उसके डिटरमिनेशन में भी कुछ एरर आता है. दैट एरर मे बी ड्यू टू सम ह्यूमन एरर और दैट मे बी ड्यू टू सम नेग्लिजेंसी और दैट मे बी ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंटल एरर. किसी भी तरह से वो एरर आता है. मीन्स देयर सम अनसर्टनटी इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड एंड देयर सम अनसर्टनटी इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ. एंड ड्यू टू दैट अनसर्टनटी इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड अनसर्टनटी इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड, जब हम फाइनली जी कैलकुलेट करेंगे तो जी के कैलकुलेशन, फाइनल कैलकुलेशन में भी कुछ ना कुछ अनसर्टनटी होगी. हाउ डू वी एनालाइज दैट? सबसे पहली बात, ये जो अनसर्टनटी है, किसी भी जब इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं, अनसर्टनटी इन मेजरमेंट इज जनरली टेकन एज हाफ ऑफ लीस्ट काउंट और इक्वल टू लीस्ट काउंट. इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम की सिचुएशन पर कई बार वो डिफाइन कर देते हैं. मैं यह बात लिखता हूं, अनसर्टनटी इन मेजरमेंट इज जनरली टेकन एज हाफ ऑफ लीस्ट काउंट और किसी किसी सिचुएशन में, किसी किसी प्रॉब्लम में वह लोग इक्वल टू लीस्ट काउंट भी दे देते हैं कहीं पर. तो इट टोटली डिपेंड, प्रॉब्लम में आपको दे दिया जाएगा. यदि नहीं दिया हुआ है तो आप हाफ ऑफ लीस्ट काउंट ले लीजिए. अब इफ वी हैव गॉट एनी फॉर्मूला इन विच द एक्सप्रेशन इज डिपेंडेंट ऑन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव गॉट एनी क्वांटिटी पी विच इज डिपेंडेंट ऑन एन वेरिएबल्स x1, x2, x3 एंड xn.
फॉर एग्जाम्पल हियर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ फंक्शन ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम. सो हियर जी इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स टू मेजरमेंट. इस तरीके से कोई सा भी ऐसी क्वांटिटी है विच इज फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड एक्स एन. नाउ पी इज अ फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल्स विच आर मेजर्ड ड्यूरिंग एनी एक्सपेरिमेंटेशन. एक्स वन इज फर्स्ट वेरिएबल, इसको हमने एक्सपेरिमेंट से के दौरान मेजर करा है. एक्स टू इज अनदर वेरिएबल, इसका भी हमने कुछ मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट के दौरान करा है. इसी तरीके से एन वेरिएबल से एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स एन. नाउ अनसर्टनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एक्स वन, मैं यह बात लिखता हूं अनसर्टनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एक्स वन इज लेट अस से यू वन. Uncertainty in measurement of x1 is u1. Now, either you may say uncertainty or you may say error. Error in measurement of x1 is u1. Now, this u1 would be half of least count. यदि दिया हुआ नहीं है तो half of least count लोगे. और कई बार problem में दिया हुआ होता है uncertainty और error is equal to least count. तब जो भी problem में आपको दिया है वहां आप लोगे. Now, इसी तरह से uncertainty इन मेजरमेंट ऑफ एक्स टू इज यू टू एंड सो ऑन. हमने एन क्वांटिटीज का मेजरमेंट करा है और एन क्वांटिटीज का मेजरमेंट करके हमने उन सभी एन क्वांटिटीज के मेजरमेंट में जो भी कुछ अनसर्टनिटी है जो भी कुछ एरर है वह डिटरमाइन वह लिखा है यू वन यू टू यू थ्री यू फोर अप टू यू एन. अब हम इन जब x1 x2 की वैल्यू को उस एक्सप्रेशन में उस फंक्शन में प्लग इन करेंगे तो जो फाइनल कैलकुलेशन कर रहे हैं p, उस p की वैल्यू में कुछ ना कुछ एरर कुछ ना कुछ अनसर्टनिटी होगी. लेट अस से अनसर्टनिटी इन मेजरमेंट ऑफ p इज कैपिटल U. मैं इधर लिखता हूं इस बात को uncertainty in measurement of p or uncertainty in the calculation of p is equal to u. Ab how this u would be related टू दिस यू वन यू टू यू थ्री अप टू यू एन, यह किस तरीके से रिलेटेड होगा हम इस बात को समझना चाहते हैं. हम कहते हैं अनसर्टनिटी इन कैलकुलेशन ऑफ पी इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ डेल पी बाय डेल एक्स वन होल स्क्वायर इन टू यू वन प्लस डेल पी बाय डेल एक्स टू होल स्क्वायर इंटू यू यू वन स्क्वायर इंटू यू टू स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू डेल पी बाय डेल एक्स एन होल स्क्वायर इंटू यू एन स्क्वायर. व्हाट इज डेल पी बाय डेल एक्स वन? डेल पी बाय डेल एक्स वन इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वन. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वन. इसी तरीके से व्हाट इज डेल पी बाय डेल एक्स टू? दिस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. इधर मैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स टू.
सबसे पहले इस बात को नोट करें, p इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स x1, x2, x3, xn। x1 के मेजरमेंट में कुछ एरर है u1, x2 के मेजरमेंट में कुछ एरर है u2, x3 के मेजरमेंट में कुछ एरर है u3 एंड सो ऑन, xn के मेजरमेंट में कुछ एरर है un। जो भी कुछ फंक्शन है उस फंक्शन को हम x1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, दिस इज डेल पी बाय डेल x1, वी कॉल इट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू x1। मैं समझाता हूं कैसे लेंगे। जो भी कुछ फंक्शन पी है उसको x2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू x2। अब हम कहेंगे कि व्हेन वी कैलकुलेट पी, द वैल्यू ऑफ पी, तो उस कैलकुलेशन में पी की जो वैल्यू आएगी उसमें कुछ अनसर्टनिटी होगी। अनसर्टनिटी इन कैलकुलेशन ऑफ पी इज इक्वल टू यू एंड दिस यू इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू x1 होल स्क्वायर इंटू u1 स्क्वायर। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू x2 होल स्क्वायर इंटू u2 स्क्वायर एंड सो ऑन। मैं समझाता हूं इसी समय। फॉर एग्जाम्पल वी हैव गॉट एनी फंक्शन पी विच इज ए प्लस और माइनस बी, आइदर ए प्लस बी हो सकता है और पी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब इस केस में देयर मस्ट बी सम अनसर्टनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ ए। हम कहेंगे अनसर्टनिटी इन मेजरमेंट ऑफ ए, दिस वुड बी प्लस और माइनस डेल्टा ए। सिमिलरली there would be some uncertainty in measurement of b, this would be plus or minus delta b। जैसे हम error in measurement of a is delta a, plus or minus delta a, error in measurement of b is plus or minus delta b, this would be half of the least count of the instrument through which A is being measured and this is half of the least count of the instrument through which B is measured। अब ये जो डेल्टा है प्लस और माइनस डेल्टा है इसको आप u1 देखिए, प्लस और माइनस डेल्टा b इसको आप u2 देखिए। नाउ व्हाट विल डू, विल डिफरेंशिएट p विथ रेस्पेक्ट टू a, डेल p बाय डेल a। b को कांस्टेंट ले लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, दिस बिकम्स 1, डेल p बाय डेल a। इसी तरीके से डेल p बाय डेल b, दिस ऑल्सो बिकम्स, अब हम a को कांस्टेंट रखेंगे उसका डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा, डेल p बाय डेल b वुड बी इक्वल टू 1। अब हम कहते हैं अनसर्टनिटी इन मेजर, देयर वुड बी सम अनसर्टनिटी इन द कैलकुलेशन ऑफ पी। जब हम ए प्लस बी या ए माइनस बी कुछ भी कर रहे हैं तो ए में कुछ एरर है, बी में कुछ एरर है, ए और बी दोनों में एरर होने की वजह से पी में कुछ एरर आना है। अनसर्टनिटी इन कैलकुलेशन ऑफ पी, अनसर्टनिटी इन कैलकुलेशन ऑफ पी। अब मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूं, पहले मैं लिख देता हूं अनसर्टनिटी इन कैलकुलेशन ऑफ पी, दिस इज इक्वल टू लेट अस से डेल्टा पी। नाउ दिस डेल्टा पी इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ
डेल्टा पी बाय डेल्टा आई, डेल्टा पी बाय डेल्टा आई वन स्क्वायर इंटू डेल्टा ए स्क्वायर प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा बी वन स्क्वायर इंटू डेल्टा बी स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डेल्टा ए स्क्वायर प्लस डेल्टा बी स्क्वायर. पी मे बी आइदर सम ऑफ ए एंड बी और डिफरेंस ऑफ ए एंड बी. पी मे बी ए प्लस बी और पी मे बी ए माइनस बी. Uncertainty in calculation of P would be under root of delta A square plus delta B square. This would be uncertainty in calculation of P. इस particular expression को देखिए ध्यान से किस तरीके से apply करा जा रहा है. मैं तीन चार केस में उसको apply करके इसी समय दिखाता हूं. सबसे पहले इसे नोट डाउन कीजिए. दिस इज अ जनरलाइज्ड कंसेप्ट. पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री. इसे नोट डाउन कीजिए. अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एक्स वन, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एक्स टू, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एक्स एन. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वन एंड एक्स टू. इसे नोट डाउन कीजिए. और फिर यह लिखिए अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेशन ऑफ पी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. नाउ दिस इज अ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन. इसे नोट डाउन करना है, दिमाग में बैठाना है, रट लेना है. इसको मैं अप्लाई करना सिखा रहा हूं. सम और डिफरेंस के केस में मैंने सिखाया है. अब मैं प्रोडक्ट के केस में और क्वेश्चन के केस में इसी कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं वह सिखाता हूं. प्लीज नोट इट डाउन. मैं एक और बात समझाता हूं. देखिए इस कंसेप्ट को समझने के लिए यू नीड टू सॉल्व अ मिनिमम ऑफ 4-5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ओवर ईच केस. वी हैव गॉट एनी क्वांटिटी पी विच इज गिवन एज ए इनटू बी. अब नाउ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ ए, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ ए इज डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा ए. इनफैक्ट प्लस और माइनस डेल्टा ए. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए इज गिवन एज ए नॉट प्लस और माइनस डेल्टा ए. ए नॉट इज द ट्रू वैल्यू व्हाइल मेजर्ड वैल्यू इज प्लस और माइनस डेल्टा ए. ए नॉट प्लस और माइनस डेल्टा ए, इसका यह मतलब है. अब इसी तरह से अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ बी, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ बी इज प्लस और माइनस डेल्टा बी. इसका मतलब क्या है? मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ बी प्लस और माइनस डेल्टा बी. अब जब हम ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ए में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है, बी में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है. इस वजह से पी की एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ सकती. पी की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगी. अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेशन ऑफ पी, अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेशन ऑफ पी इज प्लस और माइनस डेल्टा पी. Now, how would that delta P would be given by? यह P, delta P की वैल्यू हम कैसे obtain करेंगे? इसी के लिए जो हमने
एक्सप्रेशन समझा हुआ है, मैं उस एक्सप्रेशन को दोबारा इधर लिख देता हूं. इफ पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन अप टू एक्स एन, पी में जो अनसर्टनिटी है, मैं इधर इस तरह से लिखता हूं, अनसर्टनिटी अनसर्टनिटी पी में जो है दैट इज यू लिख देता हूं, एक्स वन में यू वन, एक्स टू में यू टू और एक्स एन में यू एन. देन दिस यू इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ डेल पी बाय डेल एक्स वन होल स्क्वायर इंटू यू वन स्क्वायर प्लस डेल पी बाय डेल एक्स टू होल स्क्वायर बाय यू टू स्क्वायर एंड सो ऑन. अब देखिए दोबारा मैं इस कंसेप्ट को इस सिचुएशन में लगाता हूं. इफ पी इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो सबसे पहली बात यह तो हो गया u1, इसको आप u1 देखिए, इसको आप u2 देखिए, यह u1 अनसर्टनिटी इन x1 u1 है, अनसर्टनिटी इज a डेल्टा है, यह u1 और ये u2 हुआ. अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे p को x1 से, तो p को a से, डेल p बाय डेल ए हम यहां लिखेंगे. इस एक्सप्रेशन को ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ए के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बी को कांस्टेंट मानेंगे. जरा सोचिए डेल पी बाय डेल ए दिस वुड बी इक्वल टू बी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू ए वुड बी इक्वल टू बी. इसी तरह से व्हाट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू बी, डेल पी बाय डेल बी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू बी, इस दौरान ए को कॉन्स्टेंट माना जाएगा, सो दिस वुड बिकम इक्वल टू ए. अब वेल सब्स्टिट्यूट डेल पी बाय डेल ए, यू वन की जगह हम लिखेंगे डेल्टा ए. देखिए अनसर्टनिटी इन कैलकुलेशन ऑफ बी, अब हम डेटा माइन करते हैं, अनसर्टनिटी इन कैलकुलेशन ऑफ पी डेल्टा पी इज अंडर रूट ऑफ डेल पी बाय डेल एक्स वन, उसकी जगह हम लिखेंगे बी होल स्क्वायर, और यू वन की जगह हम लिखेंगे डेल्टा ए होल स्क्वायर प्लस डेल पी बाय डेल एक्स टू, उधर हम डेल्टा पी बाय डेल्टा बी लिखेंगे एंड दैट इज ए स्क्वायर इंटू यू टू स्क्वायर, यू टू स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे डेल्टा बी स्क्वायर. नोट दिस, अब इस को इस सिचुएशन में इस तरीके से देखने के बजाय हमें एक स्टैंडर्ड तरीके से इसको अरेंज करके मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं. हम इसी समय डेल्टा पी के लिए जो एक्सप्रेशन है इसको पी से डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू डेल्टा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस डेल्टा बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर होल अपॉन, इधर हमने पी से डिवाइड करा, इधर हम ए बी से डिवाइड करता हुआ दिखाई दे. इसे स्क्वायर रूट के नीचे ले जाइए अंदर ले जाइए और डिवाइडेड बाय स्क्वायर बी स्क्वायर कर दीजिए,
डेल्टा पी बाय पी इज इक्वल टू होल अंडर रूट ऑफ डेल्टा ए होल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डेल्टा बी होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर होल अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर आ गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल एंड यू विल नोट दैट डेल्टा पी अपॉन पी। रिलेटिव अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए होल स्क्वायर प्लस डेल्टा बी अपॉन बी होल स्क्वायर। वी यूज टू से डेल्टा पी बाय पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डेल्टा ए बाय ए होल स्क्वायर प्लस डेल्टा बी बाय बी होल स्क्वायर। इस बात को नोट डाउन कीजिए एंड दिस इज रिलेटिव एरर और रिलेटिव अनसर्टनिटी इन कैलकुलेशन ऑफ पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रिलेटिव अनसर्टनिटी इन कैलकुलेशन इन मेजरमेंट ऑफ ए होल स्क्वायर प्लस रिलेटिव अनसर्टनिटी इन मेजरमेंट ऑफ बी होल स्क्वायर व्हेन वी हैव गॉट प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। इस तरीके से हम करेंगे, जरा देखिए किस तरीके से इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करा। मैं इसी समय इसी बात को व्हेन वी हैव गॉट क्वोशेंट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज उसके लिए भी समझाऊंगा, इसे नोट डाउन कीजिए। दोबारा समझा देता हूं मैं, इफ वी हैव गॉट एनी क्वांटिटी विच इज क्वोशेंट ऑफ टू क्वांटिटी, P is given as A upon B. Now, here A is A naught plus or minus delta A. B is B naught plus or minus delta B. Now, what should be P given as P naught plus or minus delta P? यह कैसे देंगे हम delta P determine करना चाहते हैं। हमने A की value measure करी और A की value measure करने में कुछ uncertainty है, कुछ error है delta A। हमने B की value measure करी, B की value measure करने में कुछ error है, कुछ uncertainty है delta B। ए नॉट ट्रू वैल्यू है मगर जब हम मेजरमेंट करते हैं तो ए नॉट प्लस और माइनस डेल्टा ए होता है। बी नॉट ट्रू वैल्यू है मगर जब बी की वैल्यू का मेजरमेंट करा जाता है तो बी नॉट प्लस और माइनस डेल्टा बी होता है। अब जब हम इस ए की वैल्यू को लेंगे और इस बी की वैल्यू को लेंगे और ए अपॉन बी करेंगे तो जो हम पी कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक्यूरेट तो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। P की एक्यूरेट वैल्यू P नॉट है मगर उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टनिटी होगी डेल्टा P और जो हम कैलकुलेट करेंगे वह P वैल्यू आएगी एंड दैट P वुड बी इक्वल टू P नॉट प्लस और माइनस डेल्टा P। हमको इस डेल्टा P की वैल्यू डिटरमाइन करना है कि इस कैलकुलेशन के दौरान P की वैल्यू के कैलकुलेशन में कितना एरर कितनी अनसर्टनिटी होगी, व्हाट इज दिस डेल्टा P। अब वंस अगेन दोबारा मैं उस फॉर्मूले को बार बार लिखूंगा, मैं बार बार उस फॉर्मूले को इसलिए लिख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी बार बार लिखें क्योंकि जब आप उस एक्सप्रेशन को उस फॉर्मूले को दो चार पांच बार लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली वह दिमाग में बैठ जाएगा, वह आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप हर डेरिवेशन के दौरान उसको नोट डाउन कीजिए, चार पांच बार में चार पांच अलग अलग केसेस में डिराइव भी करवा रहा हूं और हम कुछ इलस्ट्रेटिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करेंगे, चार पांच डेरिवेशन में और चार पांच इलस्ट्रेटिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, कम से कम 10 बार तो मैं लिखवा दूंगा। जब मैं 10 बार उस फॉर्मूले को लिखवा दूंगा तो निश्चित आपको वह फॉर्मूला वह कंसेप्ट
दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगा, एग्जामिनेशन में जब अप्लाई करने की बारी आई तो आप अच्छी तरह से उसको अप्लाई कर पाओगे. इफ वी हैव गॉट एनी फंक्शन पी विच डिपेंड्स ऑन एन वेरिएबल्स एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन अप टू एक्स एन, there is some uncertainty in measurement of x1 and that is u1, uncertainty in measurement of x2 is u2, uncertainty in measurement of xn is un, hence there would be some uncertainty in calculation of p and that would be u. This u would be given by uncertainty in calculation of u would be given by under root of partial derivative of p with respect to x1 whole square into u1 square plus partial derivative of p with respect to x2 whole square into u2 square and so on. यह expression है. अब मैं उसे इस केस में apply करके दिखाता हूं. हम p को differentiate करेंगे a के respect में, del p by del a. जब हम यह differentiation करेंगे तब b को कांस्टेंट रखेंगे, और b को यदि हमने कांस्टेंट रखा तो सिंपली 1 बाय बी दिखने लगेगा, 1 बाय बी इंटू डेल ए बाय डेल ए दैट इज इक्वल टू 1. नाउ वी विल डिफरेंशिएट p विथ रेस्पेक्ट टू b. अब हम p को b के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे डेल p बाय डेल b, और इस दौरान हम a को कांस्टेंट रखेंगे. a को कांस्टेंट रखा दिस इज b टू द पावर माइनस वन, सो इनटू माइनस वन इनटू b टू द पावर माइनस टू, सो दिस बिकम्स माइनस ऑफ a अपॉन b स्क्वायर. अब हम इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. कैसे जरा देखिए. डेल्टा पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डेल्टा पी बाय डेल्टा एक्स वन, तो यह हुआ वन बाय बी होल स्क्वायर इंटू डेल्टा ए होल स्क्वायर प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा बी होल स्क्वायर, दिस इज ए बाय बी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू डेल्टा बी स्क्वायर. अब इसको इस तरीके से देखने के बजाय वंस अगेन आई डिवाइड इट बाय पी ऑन बोथ द साइड. इधर डिवाइड करके दिखाता हूं डेल्टा पी बाय पी. इधर वहां दिख रहा है डेल्टा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस डेल्टा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर अपॉन इनटू बी टू द पावर फोर. मैंने ए स्क्वायर अपॉन बी टू द पावर फोर होल अपॉन ए बाय बी. डेल्टा पी बाय पी इधर करा है और इधर पी की जगह ए बाय बी लिख दिया. ए बाय बी को अंडर रूट के अंदर लेकर जाइए. डेल्टा पी बाय पी इज इक्वल टू आपको दोबारा वही चीज दिखने लगेगी
डेल्टा ए बाय ए होल स्क्वायर प्लस डेल्टा बी बाय बी होल स्क्वायर। रिलेटिव अनसर्टेनिटी कैलकुलेशन ऑफ पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ ए प्लस स्क्वायर ऑफ रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पी। जैसा प्रोडक्ट के केस में था बिल्कुल वैसा का वैसा ही डिवीजन के केस में भी आता हुआ दिख रहा है। मैं समराइज करूंगा, टैबुलेट करूंगा इस चीज को, इसे आप नोट डाउन कीजिए, इस फॉर्मूले को दोबारा नोट डाउन कीजिए, हम इलस्ट्रेटिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे इस बात को, इस कंसेप्ट को समझने के लिए। अगले केस को नोट डाउन करने के लिए तैयार हो जाइए, पहले इसे ध्यान से देखिए, नोट डाउन कीजिए। द नेक्स्ट केस वुड बी व्हेन वी हैव गॉट पावर ऑफ सम फंक्शन। प्लीज